नमस्कार, मैं विवेक कुमार राय, इन खबर में आपका स्वागत है। आईपीएल का चौथा मैच हैदराबाद में खेला जा रहा है। राजस्थान और हैदराबाद के बीच राजस्थान में खेला जा रहा है। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला बहुत ही बेकार साबित हुआ, क्योंकि राजस्थान की तरफ से ओपनिंग करने आए जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल ने ताबड़तोड़ बैटिंग की। जॉस बटलर ने 22 गेंदों पर 54 रन बनाकर फारूकी का शिकार हुए। वहीं 6 ओवर में 85 रन पर एक विकेट गिर गए हैं राजस्थान टीम के। अगर इस मैच के की बात करें 6 ओवरों तक की, तो जॉस बटलर ने सभी गेंदबाजों को चारों तरफ मैदान के चौके छक्के मारे और दर्शक इसका खूब आनंद लिए। जॉस बटलर अभी फॉर्म में नहीं चल रहे थे, जिसे राजस्थान को चिंता थी, लेकिन आज राजस्थान का पहला मैच था जिसमें जॉस बटलर ने आते ही बहुत ही शानदार शुरुआत की। उनका साथ दे रहे यशस्वी जायसवाल भी 13 गेंद पे 30 रन, यानी उनका भी स्ट्राइक रेट करीब 200 के पार है, यानी दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। लेकिन फारूकी ने मैच में एक नया मोड़ दे दिया। पहला विकेट जॉस बटलर जो 50 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन उनको आउट कर दिया, जिससे अब जब पावर प्ले पहला 6 ओवर के बाद खत्म हो जाता है, इसलिए अब उनकी रन गति धीरे हो जाती है। लेकिन जिस हिसाब से अभी स्कोर चल रहा है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बन जाए। लेकिन अभी ये देखना होगा, अभी बाकी के 15 ओवर बचे हुए हैं, तो अभी ये देखना बाकी होगा कि जो आने वाले बल्लेबाज हैं वो किस तरह से खेल रहे हैं। अभी पिच पे संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं। संजू सैमसन भी बहुत बड़े हिटर माने जाते हैं। अगर ये दोनों बल्लेबाज अगर 12-13 ओवर तक खेल जाते हैं, तो निश्चित ही इस मैच का स्कोर 200 के पार जाने वाला है, यानी हैदराबाद को दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।